हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग सभी ठीक होंगे, गार्डनिंग में बिजी होंगे। तो इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ साथ आपका मेरे गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सीज़न में भी हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। डेली का डेली धूप भी आती है और उसके साथ साथ भी एक संगी बारिश भी आ जाती है। तो काफ़ी अच्छी प्लांट की ग्रोथ हो गई है, काफ़ी अच्छे प्लांट हरे भरे हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, गार्डन पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री होता है। तो इस तरीके से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और मुझे मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। और मैं हर एक व्यूअर्स को अपने मैसेज देने का बिल्कुल कोशिश करती हूँ और बिल्कुल अच्छा जवाब देने की कोशिश करती हूँ और हमेशा इसी तरीके से देती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, मुझे जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको जेट प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत छोटे से पॉट में, देखिए मैंने ग्रो कर रखा है। देखिए आप आसानी से मैं इसे पकड़ पा रही हूँ। तो आपके घर में भी कोई ब्रोकन कप पड़ा हो, ग्लास पड़ा हो, उसमें आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो देखिए कितना हेल्दी चल रहा है ये, और इसको सनलाइट चाहिए। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे हैंगिंग पॉट में भी इन्हें लगा रखा है, इसको बहुत सारी सनलाइट चाहिए। तो अगर आपकी विंडो पे भी सनलाइट आती है तो आप वहाँ भी इसको रख सकते हैं, और इसको वैसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं, बड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसे आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और काफ़ी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है और टोपियारीज भी इसकी बहुत आसानी से बन जाती हैं। और ये है हमारा मनी प्लांट, जो कि मैंने आपको लगा के दिखाया था ये कप में। तो ये मेरा ब्रोकन कप है और आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है, सिर्फ एक फिंगर के बराबर इसकी डेप्थ है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको मिट्टी में लगाया है। और अगर आप कहेंगे कि इसमें तो ड्रेनेज होल नहीं है, कैसे ग्रो हो गया ये, तो जब इस तरीके के कप्स वगैरह में आप लगाते हैं तो स्प्रे से पानी करिए और इतना करिए जिससे कि उसकी मिट्टी में नमी हो जाए। बस मिट्टी बहुत गीली, एकदम हलुए जैसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप स्प्रे से पानी डालें जिससे कि इसकी जड़ों तक पहुँचे, लेकिन इसमें भरे ना पानी, और आसानी से प्लांट चलता रहेगा। आप इसे किसी भी टेबल पर रख दीजिए, और बड़े से बड़े भी आप प्लांटर में इसे लगा सकते हैं, मॉस स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए आप कितना अच्छा हो रहा है। तो ये एक मेरे पास कप पड़ा हुआ था, तो इसमें मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ दूसरा प्लांट। तो ये हमारा पर्पल हार्ट प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, एकदम कलर देता है, ग्रीन कलर नहीं, ये पर्पल कलर देगा आपको। तो ये आपके घर में कलर ऐड करेगा, तो आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी। हालांकि कमरे में थोड़ी सी लाइट ज़रूर आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से छोटे से कप में भी इसे लगा सकते हैं और बहुत बड़े से प्लांटर में भी लगा सकते हैं। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा चलता है ये। और ये है हमारा बैंड्रिंग ज्यू प्लांट, ये भी घर के अंदर आप आराम से चला सकते हैं, लाइट होनी चाहिए बस कमरे के अंदर, तो बहुत सुंदर लगता है। और जिस तरफ लाइट ज़्यादा होती है उसी तरफ ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। और हैंगिंग प्लांट में लगाएंगे आप तो भी बहुत सुंदर लगेगा, और किसी ट्रे वगैरह में लगाएंगे या प्लांटर में लगाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल बेल की तरह ये नीचे की तरफ लटकता है और बहुत प्यारा लगता है, कलर ऐड करता है, शेडेड कलर में होता है, पर्पल और ग्रीन कलर में। तो बहुत प्यारा प्लांट है ये, इसको आप ज़रूर जगह दें अपने घर में या किसी हैंगिंग पॉट में या फिर किसी छोटे से आपके ब्रोकन कप में भी ये बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ देखिए इसकी भरमार है पूरी, तो इसमें मैंने ये हैंगिंग प्लांट में लगा रखा है। बहुत ही सुंदर लगता है ये, और इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही हार्डी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, और आपका गार्डन भी सुंदर हरा भरा और कलरफुल भी दिखाई देता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। और ये है हमारा एक और प्लांट, जिसको कि आप देख सकते हैं मैंने एक कप प्लांटर में लगा रखा है। तो ये ड्रॉप वैरायटी का एलोवेरा प्लांट है, शो प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए छोटे से प्लांटर में
ग्रो हो चुका है, तो ऐसे आपके पास कब ब्रोकन पड़ा हो, कोई बड़े बड़े जैसे मिल्क मग होते हैं कभी कभी टूट जाते हैं, तो उसमें इसको लगा दीजिए। बहुत ही प्यारा लगता है ये और बहुत आसानी से कम पानी में चलने वाला प्लांट है। तो अगर आपकी विंडो पे धूप आती है तो आप उस पर भी रख सकते हैं और आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं, तो किसी तरीके से भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटर में प्लांट लगाना भी अपने आप में एक खूबसूरती है और घर को सजाना। और ये देखिए सबसे ही खूबसूरत प्लांट और बहुत प्यारा, बहुत हार्डी, कई वैरायटी में आने वाला सिंगोनियम प्लांट है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लीव्स हैं इसकी प्लांट की, और देखिए कितने छोटे से पॉट में चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरे हाथ में मेरी ये पॉट आ चुका है। तो बहुत ही छोटा सा पॉट है और प्लांट देखिए काफ़ी सुंदर है ये। तो आप इसे बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं और छोटे से पॉट में लगा के घर के अंदर भी रख सकते हैं। बहुत आराम से चलता है और काफ़ी प्यारा प्लांट है। तो इसकी भी कई वैरायटी आती हैं और मेरे पास भी कई सारी वैरायटी हैं इसकी। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये प्लांट, और मैंने दिखाऊंगी मैं आपको कि बहुत सारे गमलों में लगाया है। और पानी बस इसको तभी देना है जब इसमें रिक्वायरमेंट होती है, मिट्टी इसकी सूख जाती है। और ये देखिए सिंगोनियम प्लांट को मैंने बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है, तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा पॉट है। और प्लांट भी मेरा इसका बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये प्लांट और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से पॉट में भी और एक बड़े से पॉट में भी ये कितनी सुंदरता दे रहा है। और ये है हमारा रियो प्लांट, जो कि बहुत प्यारा होता है और ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। एक बार आप नर्सरी से लेके आएंगे और आपके गार्डन में इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इतना सुंदर लगता है कि आप इसे ना तो फेंक पाएंगे और संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्यारा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसे भी मैंने छोटे से प्लांटर में लगाया और इस प्लांटर को मैंने एक फैंसी प्लांटर में रख रखा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये पॉट नहीं दिखाई दे रहा था, ये पॉट वो है जिससे नर्सरी से पौधे लग के आते हैं, तो मैंने उसमें लगा के एक फैंसी प्लांटर के अंदर डाल रखा था। और देखिए इसे कीड़े ने भी खा लिया है, जो कि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में आजकल बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है। और देखिए लेकिन बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको आप बिल्कुल छोटे से गमले में ऐसे एक फूल को तोड़ के लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ये। तो इसको भी आप अपने ब्रोकन कप, ब्रोकन ग्लास किसी में भी डालें, एकदम बहुत सुंदर चलेगा। और जहाँ हल्की सी ब्राइट लाइट आती हो आपके घर के अंदर, वहाँ आप इसे प्लेस कर सकते हैं। और बड़े से बड़े पॉट में भी लगाएंगे तो भी ये खूबसूरती बहुत ज़्यादा बिखेरेगा। और आपके पास अगर लैंड गार्डन है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं इसे, बहुत प्यारा लगता है ये और कलर भी बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी सारी वैरायटी में ये भी आता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर प्लेस करें। तो इस प्लांट को तो मैंने अपने टॉप वाले टेरेस में काफ़ी सारे जो हैंगिंग प्लांटर होते हैं, मींस जो हैंगिंग वाले कप आते हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं और मेरे पास इसकी 3-4 वैरायटी हैं। और ये देखिए ये मैंने एक ट्रे में लगाया है जिसमें कि मैंने 2 कलर के लगाए थे, एक ट्रे मेरी टूट गई थी तो मैंने इसमें ही एडजस्ट कर दिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, इतनी खूबसूरत होता है और इतना ज़्यादा फैल जाता है। तो ये देखिए 2 कलर के तो मैंने आपको दिखा दिए जो मेरे पास हैं। और ये है हमारा कूलियस प्लांट, जो कि कलर भी देता है और खूबसूरती भी देता है प्लांट को। तो इसको भी आप कितने भी छोटे पॉट में लगा दीजिए, इवन जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसको भी अगर काट के आप उसमें लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसका भी आप हैंगिंग बना सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं इसको, कूलियस प्लांट को। तो इस प्लांट को आप समझिए कि आप फ्री में अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं। और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप वैरायटी का सेंसिवेरिया प्लांट, जिसको कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सैलो ट्रे में लगाया और कितना अच्छा हो रहा है। तो ये मैंने अलग अलग पीसेज में लगाया था, एक प्लांटर में से निकाला था ये, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था और इसको लगाया था। तो इसको आप घर के अंदर कहीं भी रखिए, ये बहुत अच्छा चलता है। चाहे तो आप सेंटर टेबल पर रख दिए, डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, बहुत अच्छा होता है। और एक तो ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तो घर के अंदर आप इसे ज़रूर प्लेस करें, ज़रूर जगह दें। एक बार आप इसे भी लगाएंगे तो ये भी सिर्फ मैंने एक ही लगाया था पेड़, और उससे आप देख सकते हैं कि मेरे घर के अंदर भी ये कई जगह प्लेस हो रखा है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी भी वैरायटी बहुत आती है, तो ये ड्रॉप वैरायटी का भी मेरे पास कई सारे हैं।
और ये जो ड्रॉप वैरायटी है इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रोकन कप ग्लास वगैरह, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप आराम से लगाइए इस ड्रॉप वैरायटी के सेंसिवेरिया को। बस इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए जो बीच वाला प्लांट है, बाकी ये जो ड्रॉप वैरायटी वाले हैं इनको आप छोटे से छोटे कप में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे चलेंगे। और देख सकते हैं आप, मैंने ये विंडो के पास रखे हैं सारे प्लांट और कमरे के अंदर रखे। और ये देखिए मेरा एक और सिंगोनियम प्लांट जिसको कि मैंने छोटे से पॉट में डाला है, और देखिए जहाँ से विंडो में से लाइट आ रही है ये उसी तरफ इनका डायरेक्शन जा रहा है, तो जहाँ से भी इनको लाइट मिलेगी डायरेक्शन इनका उसी तरफ जाएगा। तो ये वाला प्लांट मेरा कीड़ों ने खा लिया था तो इसलिए थोड़ा सा हल्का हो रहा है, बाकी सारे ही प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये सिंगोनियम प्लांट है जिनको कि मैंने छोटे छोटे से प्लांटर में लगा के रूम के अंदर प्लेस किया है, तो आप अपने घर के बाहर भी गार्डन बना सकते हैं। और अगर आपको प्लांट्स पसंद है तो आप घर के अंदर भी गार्डन बना सकते हैं, और आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप आर्टिफिशियल प्लांट ला के रखें, बहुत खूबसूरती देते हैं, बहुत फ्रेशनेस देते हैं। तो ये देखिए ये भी मैंने घर के अंदर लगाए हैं छोटे छोटे से पॉट्स में, मनी प्लांट। तो आप इस तरीके का गार्डन ज़रूर बनाएं घर के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।